झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। झारखंड कैश कांड में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को दूसरी बार आलमगीर को ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशन पर रेड की थी। इस छापेमारी में ईडी ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 34.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस ने आलमगीर की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। हम समझते हैं पूरी ताकत से जनता इसका जवाब देगी। कैश कांड में आलमगीर की गिरफ्तारी को कांग्रेस जहां राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रही है। ईडी आज आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश कर सकती है। Zee News.